हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए धीरज मोटिवेशन एंड अमेजिंग फैक्ट्स चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाए हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार के यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 का टीका लगवाना चाहिए या फिर नहीं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि यह टीका कितना सुरक्षित है। कई माता पिता ने सवाल किया है कि क्या गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 के वैक्सीन के कारण से क्या समय से पहले या कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, तो क्या करें, गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन लगाए या फिर नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। याद रखें कि कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन से गर्भपात, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, ऐसे बहुत सारे बातें गलत है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भपात, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना या समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना और कोविड-19 के टीके का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 3 महीने के बाद कोविड-19 का टीका लगाया जा सकता है। इसलिए बिना देर किए अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में समय पर पहुंचकर अपना टीकाकरण कराएं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कोविड-19 के वैक्सीन क्या लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कोविड-19 का टीका कितना सुरक्षित है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रहे इस वीडियो की जानकारी WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जानकारी के अनुसार ही मैंने ये वीडियो तैयार किए हैं। WHO के जानकारी अनुसार स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोविड-19 विरुद्ध का वैक्सीन लगा सकती है, क्योंकि कोविड-19 विरुद्ध का वैक्सीन माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उन्हें भी कोविड-19 का टीका लगवाना चाहिए। वीडियो के अंत में सबसे जरूरी बात कि खुद को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर दूसरे सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोविड-19 का टीका लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। आज के वीडियो से आप लोग जाना कि कोविड-19 के वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को भी लगाना चाहिए और स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी लगाना चाहिए। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।